वेलकम बैक स्टूडेंट टू योर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 to 8 समझाया था एक्सरसाइज 3C का। इस वाले वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं क्वेश्चन नंबर 9 to 19 उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये जो क्वेश्चन हैं हमारे, इसमें आपको स्टेटमेंट मैं लिखना सिखाऊंगा कि देख करके ही आप क्वेश्चन से स्टेटमेंट कैसे लिखें बिना रटे, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को स्टेटमेंट लिखने में प्रॉब्लम्स होती हैं शुरू से ही। तो आप क्वेश्चन से स्टेटमेंट लिखना सीख सकते हैं। और इसमें इन सभी क्वेश्चन में बस अलग से क्या होगा काम, जो पिछले वीडियोज हमने पढ़े थे उसमें अलग से बस स्टेटमेंट ही यहाँ पे लिखना है। बाकी मल्टीप्लाई वगैरह जो होगा वो तो जो पहले हमारा रूल था मल्टीप्लाई का वही रूल फॉलो होगा यहाँ पे। तो इसके लिए आपको क्या जरूरी है जानना, पिछले क्वेश्चन और 4 to 8 का वीडियो देखना जरूरी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, अगर आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता डेसिमल नंबर का, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि अलग से बस यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ही लिखना है। इसलिए आप पहले उस वीडियो को जाके देख लीजिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है और ऊपर आई बटन में भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना, प्ले लिस्ट में जाकर के उन वीडियोज को जहाँ पे मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया था। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। ये बस कैन कवर 62.5 किलोमीटर इन 1 आवर, यानी एक बस है वो 62.5 किलोमीटर 1 आवर में चलता है, ठीक है, कवर करता है इतना डिस्टेंस। तो हाउ मच डिस्टेंस कैन इट कवर इन 18 आवर, तो 18 आवर में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये जानने के लिए 1 का दिया हुआ है, 18 का पूछा है, इसे मतलब आपस में मल्टीप्लाई करना है अपने को, ठीक है ना, 62.5 का मल्टीप्लाई करना है 18 से। इन बस या कुछ क्वेश्चंस में स्टेटमेंट लिखना है अपने को, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है। तो स्टेटमेंट देखिए आपको यहीं से मिल जाएगा साफ साफ कि बस कैन कवर इतना, ये जो नंबर दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, 1 आवर में जितना डिस्टेंस कवर करता है वो दिया हुआ है ना। तो आप लिख दीजिएगा बस कैन कवर इन 1 आवर, ठीक है, या फिर बस कवर इन 1 आवर इज इक्वल टू इतना किलोमीटर, ओके, ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बन जाएगा। उसी तरीके सेकेंड स्टेटमेंट यहीं से आपको बन जाएगा, बस कवर इन 18 आवर। इट का यूज़ क्यों कर रहा है, बस के लिए यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे आप बस इसके जगह में लिखिए या फिर इट लिख सकते हैं वहाँ पे आप, कि इट कवर इन 18 आवर्स और इक्वल टू कीजिए और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट मिल जाएंगे, क्लियर। चलिए जल्दी से मैं आपको इसको मल्टीप्लाई करके और स्टेटमेंट लिख करके बता देता हूँ कैसे करना है। जैसा कि मैंने आपको स्टेटमेंट लिखना बताया, उसी तरीके से मैंने सेम टू सेम लिख लिया है, बस कवर डिस्टेंस इन 1 आवर इक्वल टू इतना किलोमीटर, सो इट कवर डिस्टेंस इन 18 आवर इक्वल टू। अब अपने को क्या करना है, 18 आवर में फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे अगर आपके टीचर बोलते हैं मल्टीप्लाई करके दिखाइए, तो आप मल्टीप्लाई करके भी दिखा दीजिएगा। तो देखिए 62.5 किलोमीटर है ना, तो 62.5 मल्टीप्लाई 18 आपको लिखना पड़ेगा पहले, ओके। अब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, तो नॉर्मल आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 62.5 को आप बना दीजिए 625, तो ये बन जाएगा हमारा 625 मल्टीप्लाई 18। ये चीज़ें मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में डिटेल में समझाई थी, बस यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, ये छोटा सा स्टेटमेंट चेंज हो रहा है, बाकी मल्टीप्लाई वही रूल से होगा हमारा, क्लियर। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 85 से हमारा हो जाएगा 30, ठीक है, सॉरी 85 या 40, 40 का 0 कैरी हो गया 4, 82 जा 16 और 4 20 का 0 कैरी हो गया 2 हमारा, ठीक है, 86 जा 48, 48 और 2 50, क्लियर। कट का साइन लगाते हैं, 15 जा 5, 12 जा 2, 16 जा 6, 0 5 एंड 0 5 हो जाएगा, 2 एंड 0 2 हो जाएगा हमारा, एंड 5 और 6 हमारा 11 हो जाएगा, ठीक है ना। मैं स्पीड में इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो हो सकता है मल्टीप्लाई में कहीं भी मिस्टेक हो जाए, तो उसको आपको ध्यान नहीं देना है, मेन बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 11250 आ गया आंसर। तो यहाँ पे हम इक्वल टू करके लिखेंगे, यहीं पे आप डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी एक बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ 11250। अब क्या करना है आपको, देखना है कि डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद हैं, तो 1 प्लेस के बाद यहाँ पे डेसिमल है, ठीक है ना, और इधर तो कुछ डेसिमल है नहीं हमारा, ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 की तरह बना है हमारा, तो ये 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, तो आप राइट साइड से 1 प्लेस के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, यानी कि 11250 हो गया, यानी कि हम डायरेक्ट डायरेक्ट इसको लिखेंगे 1125, यानी कि 1125 किलोमीटर, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 है तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए 1125 किलोमीटर। इस तरीके से आपको वो फाइंड करेगा, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है ना, तो आप इसमें चाहें तो लिख भी सकते हैं कि डेसिमल हमने 1 प्लेस के बाद लगाया, तो 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, जैसे हम लास्ट वाले वीडियो में आपको समझाया था कि स्टेटमेंट लिखना ये वाला, उस तरीके से हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो ये हमारे इस तरीके से इसको आंसर निकालना है। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं और आपके डाउट अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, ए टीन ऑफ ऑयल वेट 16.8 kg, यानी कि एक जो टीन है ऑयल का उसका वेट टोटल कितना है, 16.8 kg है।
तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ 25 सच टिन्स, तो 25 पीस टिन्स का सेम साइज़ के, है ना, सेम ऑयल के टिन का कितना वेट होगा। तो 1 का अपने को दिया हुआ है, 45 का अपने को निकालना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस स्टेटमेंट क्या लिखना है अपने को, देखिए सेम उसी तरीके से ये बन रहा है, तो इसको मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा जो अलग बने वहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा। तो ये आपको क्या स्टेटमेंट लिखना है, तो यही लिख दीजिएगा शॉर्टकट में। आपको ये नंबर क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है 1 टिन का, तो लिख दीजिएगा वेट ऑफ 18 ऑयल इज इक्वल टू इतना। क्लियर। उस तरीके से सेकेंड स्टेटमेंट लिखिएगा वेट ऑफ 45 सच टिन्स, और फिर इक्वल टू करके आप इसका और 168 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो भी आंसर आएगा। तो वन प्लेस है हमारे पास डेसिमल के बाद, ठीक है ना, तो वन प्लेस के बाद आप डेसिमल लगा दीजिएगा जो भी आंसर आएगा, यानी कि लास्ट राइट साइड से पहले, ओके, लास्ट राइट में जो लास्ट हमारा होगा ना डिजिट, उसके पहले आप डेसिमल लगा दीजिएगा, तो आपका वही आंसर आ जाएगा। और आंसर में केजी लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट में जो आंसर निकलता है उसको आंसर तो सही निकालते हैं, लेकिन आंसर जो निकला वो क्या निकला ये लिखना छोड़ देते हैं। तो आंसर हमारा क्या निकलेगा, केजी में निकलेगा, क्योंकि हम केजी में फाइंड कर रहे हैं ऑयल का, है ना, जो टीन का वेट है। तो आप लास्ट में केजी लिखना जरूर लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ए बैग ऑफ व्हीट वेट 97.8 केजी, हाउ मच वीट इज कॉन्टेंट इन 500 सच बैग्स, यानी कि एक बैग है, बोरी है वीट का, गेहूं का, जिसमें इतना केजी वीट आता है, ठीक है ना, एक बोरी में इतना केजी गेहूं है, बस ये अपना समझ लीजिए। उसके बाद अपने से कहा जा रहा है कि हाउ मच वीट, यानी कितना वीट होगा 500 बैग्स में, समझ में आया, यानी कि वन बैग में इतना वीट है, तो टोटल अगर हम लोग 500 अगर बोरे हम लोग ले लें वीट, तो टोटल कितना केजी वीट आएगा। तो इसमें भी सेम टू सेम मल्टीप्लाई ही करना है। चलिए ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बताया है, छोड़ दिया, तो ये क्वेश्चन मैं जल्दी से इसको आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। वेट ऑफ वन बैग ऑफ वीट, ये मैंने स्टेटमेंट लिखा क्वेश्चन से ही, क्योंकि हमने को ये जो नंबर दिया हुआ था वन बैग का दिया हुआ था वीट का, तो मैंने लिख लिया। उस तरीके से हमने जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 500 सच बैग्स का वेट कितना होगा टोटल उसमें, तो वेट ऑफ, है ना, 500 सच बैग इक्वल टू कीजिए और पहले आप आंसर निकाल दीजिए। तो मल्टीप्लाई करना है आपको किसका, 97 मल्टीप्लाई 8 करना है, ठीक है ना, सॉरी 97.8 का मल्टीप्लाई करना है 500 से। तो लिख लीजिए उसको 978 पूरा पूरा, डायरेक्ट इस बार लिखिए, है ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको, डेसिमल वाला नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए 500 से। इज दैट क्लियर। तो 500 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम 00 वाला मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट आंसर निकाल के इसका कर देते हैं, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो आंसर आएगा उसके लास्ट में 2 जीरो लगा दीजिएगा। किस तरीके से, देखिए 58 जब 40 का 0 कैरी हो गया 4, 57 जब 35, 35 और 4 39 का 9 कैरी हो गया 3, 59 जब 45 और 3 48, इस तरीके से हो गया हमारा। तो ये 5 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तब आया 2 जीरो है, तो 2 जीरो हम यहाँ पे लगाएंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है मल्टीप्लाई करने का 0 वाले नंबर से। अब क्या करना है आपको, कितने प्लेस के बाद डेसिमल है, तो 1 प्लेस के बाद डेसिमल है ना, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप आंसर में जो लिखिएगा 1 प्लेस के बाद डेसिमल, यानी कि यहाँ पर आपको 4, जब आप इसको आंसर लिखिएगा इतना हमने 9 इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, तो आप लिखिए सो, या फिर इसको इसलिए भी कहा जाता है 97.8 मल्टीप्लाई 500 इक्वल टू, हमारे को कितने नंबर के बाद डेसिमल लगाना है, केवल 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है राइट साइड से, यानी कि यहाँ पे डेसिमल लगाना है हम लोग को। तो ये पूरा हमारा बच जाएगा आंसर और ये 0 हमारा बाहर हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 48900, समझ में आया बात ना, इसका जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आंसर आएगा। क्लियर। और ये हमारा आंसर किस में है, केजी में आया है, तो इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए कि वेट ऑफ 500 सच बैग्स इक्वल टू 48900 केजी। और लास्ट में आप चाहें तो एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जो हमको इस क्वेश्चन पूछा है ना, हाउ मच वेट इज कॉन्टेंट इन 500 सच बैग्स, तो 48900 केजी वेट इज कॉन्टेंट इन 500 सच बैग्स। इस तरीके से आप इसका आंसर लास्ट में एक और स्टेटमेंट बना करके लिख सकते हैं, अगर आपको, है ना, एग्जाम अगर हम सॉल्व करें तो लास्ट वाला स्टेटमेंट भी लिख दिया कीजिए, मैं पता ना, तो उससे और अच्छा थोड़ा सा इंप्रेशन आपका बनेगा। क्लियर। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है, सेम टू सेम मेरे ख्याल से 11 टाइप से ही दिया हुआ है, बैग्स करके ही है, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। फाइंड द वेट ऑफ 16 बैग्स ऑफ सुगर ईच वेगिंग कितना है, तो 48.450 केजी, यानी कि एक बैग में शुगर कितने हैं, एक बोरे में इतना केजी है, 48.450 केजी है, और आपको 16 बैग शुगर का वेट जानना है, तो मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा 16 से इस नंबर का, और जो आंसर आएगा उसके लास्ट 3 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दीजिएगा। रहा सवाल स्टेटमेंट का, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में आपने लिखा है ना सेम टू सेम, वैसे यहाँ पे लिखना है, उसमें पहले आंसर दिया हुआ था, मतलब इसमें बस घुमा करके दिया हुआ है, समझ में आया ना, इसमें पहले वेट दे दिया था 1 केजी बैग का, और आपको पूछा था कि 500 केजी बैग्स में कितने वेट होंगे, और यहाँ पे
में 16 बैग पूछ दिया है पहले ही और 1 केजी का बाद में दिया है, तो हमें उसमें मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट सेम टू सेम 11 टाइप के क्वेश्चन का ही रहेगा कि वेट ऑफ 1 केजी है ना, 1 बैग ऑफ शुगर, वेट ऑफ 1 बैग ऑफ शुगर इज इक्वल टू इतना, फिर वेट ऑफ है ना 16 बैग ऑफ शुगर, या फिर सच 16 बैग ऑफ शुगर, वहाँ पे सच वर्ड यूज़ कर दीजिएगा SUCH तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और फिर इक्वल करके इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह, बन जाएगा आसानी से। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास, ए स्मॉल बॉटल होल्ड 0.845 केजी ऑफ सॉस, ठीक है, यानी कि एक बॉटल है सॉस का है ना, उसमें कितना केजी सॉस आ रहा है, तो 0.845 केजी आ रहा है सॉस, तो हाउ मच सॉस विल बी देयर इन 72 सच बॉटल्स, यानी कि टोटल 72 बॉटल्स अगर हम ले लें तो उसमें टोटल कितना सॉस आएगा, तो 1 बॉटल का दिया हुआ है 72 का निकालना है, जाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 845 का मल्टीप्लाई कीजिएगा 72 से, जो आंसर आएगा, तो 3 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल है, तो 3 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दीजिएगा, तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा, समझ में आया बात ना। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 में, यानी कि सेम टू सेम क्वेश्चन है तो उनको हम नहीं सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा जो कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है उसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, इसमें क्या दे रहा है, ये बॉटल होल्ड 925 ग्राम ऑफ जैम, यानी कि जो बॉटल है 925 ग्राम जैम का रखता है, तो हाउ मैनी केजी ऑफ जैम, यानी कि देखिए ये ग्राम में दिया था अपने को कि इतना ग्राम है जैम का, तो अपने से पूछ क्या रहा है, केजी पूछ रहा है कि कितना केजी होगा जैम 25 सच बॉटल्स के, तो इसको बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको शुरू में केजी में कन्वर्ट कर दीजिए और 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर इसको अभी ग्राम में ही रहने दीजिए, पहले 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए नॉर्मल और लास्ट में केजी में कन्वर्ट कीजिए, तो वो ज़्यादा ईजी आपको पड़ेगा, तो नॉर्मल हम करेंगे और लास्ट में केजी में कन्वर्ट करेंगे। चलिए इसको जल्दी से आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ये स्टेटमेंट इस तरीके से लिख लीजिए, ये बॉटल होल्ड जैम इज इक्वल टू इतना ग्राम, तो 25 सच बॉटल्स होल्ड जैम इज इक्वल टू करके आप इसका 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, तो 925 मल्टीप्लाई 25, क्लियर, 5 जा 25 का 5 कैरी हो गया 2, 5 2 जा 10 और 2 12 का 2 कैरी हो गया 1, 5 9 जा 45 और 1 46, क्लियर, 2 5 जा 10 का 0 कैरी हो गया 1, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 10 9 जा 18, प्लस कर देते हैं 5 हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, 6 एंड 5 11 का 1 कैरी हो गया 1, 8 एंड 4 12 एंड 1 13 का 3 कैरी हो गया 1, 1 एंड 1 2, तो ये हमारा क्या निकला है, ग्राम में निकला है, ठीक है ना, तो 25 सच बॉटल होल्ड जैम कितना हो जाएगा, तो 23,125 ग्राम, और अपने से पूछा कितना था, केजी में पूछा है ना, तो नाउ कन्वर्ट इट टू केजी, ठीक है ना, एक स्टेटमेंट आप लिखिएगा, यहाँ पे हमारे पास नीचे में जगह नहीं है, नहीं तो आप नीचे में लिखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नाउ कन्वर्ट द वेट ऑफ जैम इंटू केजी, ठीक है ना, इस तरीके से आप स्टेटमेंट अपने से बना के लिख सकते हैं कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो जो चीज़ आप काम कीजिए ना बस उसी को आपको लिखना है, तो नाउ कन्वर्ट द वेट ऑफ जैम इंटू केजी, इस तरीके से हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे और केजी में हम कन्वर्ट कर देंगे, तो 23,125 ग्राम्स हैं, केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, डिवाइड देना पड़ता है ना 1000 से, ठीक है, तो हम डिवाइड दे देंगे 1000 से, क्योंकि 1000 से हम डिवाइड क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं, इसलिए हम 1000 से डिवाइड देते हैं, और 1000 से डिवाइड देना इसका मतलब कुछ नहीं करना आपको, यही नंबर लिखने हैं 2, 3, 1, 2, 5 लिखना है आपको, कितने जीरो हैं, 1, 2, 3 जीरो हैं, तो 1, 2, 3 के बाद यहाँ पे आप डेसिमल लगा दीजिए, इसका और डिटेल में मैं आपको अभी आगे जब डिवाइड वाला है ना चैप्टर है ना अगला एक्सरसाइज, वहाँ पे और अच्छे से आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि डिवाइड में जब जीरो वाला नंबर होता है तो किस तरीके से डेसिमल लगाया जाता है, अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि 3 जीरो है नीचे में, तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद आप यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, तो टोटल आपका जो आंसर आ जाएगा 23 केजी है ना, 23.125 यानी 125 केजी ये आंसर हो गया आपका, यानी जो 20 है ना टोटल 25 बुक अगर बॉटल्स हम लेते हैं तो 23 केजी और 125 ग्राम हमारा जैम आएगा, ओके, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करना था, यानी पहले आप उसको नॉर्मल सॉल्व कर लीजिए और लास्ट में केजी में कन्वर्ट कर दीजिए, क्लियर। चलिए और क्वेश्चंस देख लेते हैं और अच्छे से डाउट क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है, सॉरी 15, इफ़ वन ड्रम कैन होल्ड, यानी वन ड्रम में, एक ड्रम में होल्ड होता है आता है 16.850 लीटर ऑफ ऑयल, यानी कि इतना लीटर ऑयल आता है एक ड्रम में, ठीक है, तो हाउ मैनी लीटर कैन 48 सच ड्रम्स होल्ड, तो 48 ड्रम्स कितने होल्ड करेंगे, इसका स्टेटमेंट भी खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, बहुत ही ईजी स्टेटमेंट बनेगा और मल्टीप्लाई तो करना ही अपने को, क्योंकि वन ड्रम का दिया हुआ है, 48 का पूछा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16850 का मल्टीप्लाई कीजिए 48 से, जो आंसर आएगा, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं हमारे प्लेस है ना डेसिमल के, तो 3 डिजिट राइट से आप यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिएगा,
जो भी आंसर आएगा उसमें। तो ये भी इसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास 16 में। 1 kg ऑफ राइस कॉस्ट ₹56.80, यानी 1 kg राइस का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इज इक्वल टू इतना। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 16.25 kg ऑफ राइस। तो 16.25 kg ऑफ राइस का वेट कितना होगा, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। और इसलिए बता देता हूँ क्योंकि जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 अभी नहीं देखे होंगे लास्ट वाला वीडियो, तो उनको थोड़ा सा डिफिकल्टीज होगा, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन बनाए उसमें एक डेसिमल वाला नंबर था और दूसरा होल नंबर था, यानी पूरा पूरा नंबर था अगर आप ध्यान दिए होंगे तो। लेकिन यहाँ पे दोनों नंबर डेसिमल में है, तो इसका मल्टीप्लाई करके मैं आपको बता देता हूँ। जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई ही करना है, 1 kg का दिया हुआ है और इतने kg का रेट पता करना है 16 पॉइंट इतने का, तो अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस यहाँ पे 2 decimals हैं, तो इसको मैं आपको जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताता हूँ आपको कैसे इसका मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से छोटा सा स्टेटमेंट लिख लेंगे हम कि जो पहला नंबर अपने को दिया हुआ था वो कॉस्ट दिया था 1 kg राइस का, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस इक्वल टू इतना। और अपने से पूछा क्या है, कॉस्ट ऑफ 16 kg राइस का है ना, तो कॉस्ट ऑफ 16.25 kg ऑफ राइस। इस तरीके से जो स्टेटमेंट लिखेंगे अब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे ना इसको, यानी कि 5 6 0 8 0 को हम क्या मान लेते हैं, डायरेक्ट 5 6 8 0 मान लेंगे डायरेक्ट। ओके, मल्टीप्लाई करना है अपने को 16.25 है तो 1625 से सीधे मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्लियर। और लास्ट में हम देखेंगे कि डेसिमल कहाँ पे लगता है, तो नॉर्मल उसी तरीके से मल्टीप्लाई होगा जैसे पहले हो रहा था, बस डेसिमल अपने को अब ज़्यादा बार लगाना पड़ेगा, ज़्यादा प्लेस लेना पड़ेगा। कैसे लेना है अभी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर बताएंगे आपको। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 50 से 0 हो जाएगा, ठीक है। 58 जा 40 का 0 कैरी हो गया 4, 56 जा 30 एंड 4, 34 का 4 कैरी हो गया 3, 55 जा 25 और 3 28। फिर कट का साइन लगाते हैं, 20 जा 0, 28 जा 16 का 6 कैरी हो गया 1, 26 जा 12 और 1 13 का 3 कैरी हो गया 1, 25 जा 10 और 1 11। हो सकता है देखिए मल्टीप्लाई में कहीं पे मिस्टेक हो जाए हड़बड़ी में, आप उसको माइंड नहीं कीजिएगा, आपको मेन आंसर से मतलब है और किस तरीके से आंसर लिखना है उससे मतलब है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। आगे मल्टीप्लाई करते हैं, 60 जा 0, 68 जा 48 का 8 कैरी हो गया 4, 66 जा 36 और 4 हमारा हो गया 40, 40 का फिर से 0 कैरी हो गया हमारा यहाँ पे फिर से 4, 65 जा 30 और 4 हमारा हो जाएगा 34। ठीक जा रहा है ना, यहीं पर मुझे लग रहा है कि मिस्टेक मत हो गया हो। 10 जा 0, 18 जा 8, 16 जा 6, 15 जा 5, बाद में हम देखेंगे मिस्टेक हुआ है कि नहीं, पहले हम ऐड कर लेते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 6 एंड 4 10 का 0 कैरी हो गया 1, ठीक है। 8 और 8 हमारा हो जाएगा 16 और 3 19 और 1 जो हो गया 20, तो 20 का फिर से 0 कैरी हो गया हमारा 2, 8 और ये 2 जो कैरी हुआ था 10 हो जाएगा, 10 और 2 12 और 1 13। आगे पीछे आप करके प्लस कर सकते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन हो आगे पीछे में तो आप लाइन से भी प्लस कर सकते हैं, 2 2 4 और 5 है ना, 2 2 4 और 1 5, 5 और 8 13 का 3 कैरी हो गया 1, 6 एंड 4 हमारा हो जाएगा 10 और 1 11 और 1 12, तो 12 का 2 कैरी हो गया 1, 5 एंड 3 8 और 1 9। तो इतना हमारा नंबर आंसर आ गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहीं पे दिमाग लगा लेना है कि डेसिमल कितने नंबर के बाद लगेगा। तो यहाँ देखिए 2 digits के बाद डेसिमल है और यहाँ भी 2 digits के बाद डेसिमल है, तो ओनली 2 digits के बाद नहीं लगता है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 वाली वीडियो में समझाया था ना कि इसको प्लेस को काउंट कीजिए, 2 place यहाँ पे हैं और 2 place यहाँ पे हैं, तो टोटल हमारे 4 places हैं, समझ में आया ना, यानी कि 4 places के बाद डेसिमल लगेगा। तो हमारा 1 2 3 4 यहाँ पे डेसिमल लगेगा लास्ट में, तो हम इसको लिखेंगे 923, क्योंकि जब यहाँ पे डेसिमल अगर हम लोग लगा देते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, डेसिमल यहाँ पे क्यों लग रहा है समझ में आया ना, 2 digits यहाँ पे हैं डेसिमल के बाद और 2 digits यहाँ पे हैं, तो टोटल 4 digits काउंट किया जाएगा, समझ में आया ना, अलग अलग नंबर में रहता है तो अलग अलग डेसिमल को काउंट किया जाता है, तो टोटल 4 digits हो गए। तो हम लोग 4 digits के बाद राइट साइड से डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे, तो जब यहाँ पे हम डेसिमल लगाते हैं तो डेसिमल के बाद क्या है, केवल 0 0 0 है, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधे बस 923 लिखेंगे। 923.00 का मतलब ही होता है 923, तो 923 लिखेंगे हम, और ये क्या में निकला है, kg में निकला है, तो बस kg। और लास्ट में आप चाहें तो स्टेटमेंट ले भी सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 16.25 kg ऑफ राइस इज 90, है ना, सॉरी ये kg कहाँ निकला है, ये तो अपने को रुपीज़ में निकालना था, इसका मतलब ये रुपीज़ में निकला है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान दीजिएगा ना कि जो लास्ट में हमारा आंसर निकल रहा है वो क्या में निकल रहा है, और उसको जरूर लिखिएगा। बहुत सारे बच्चे बस नंबर लिखते हैं और छोड़ देते हैं, तो आपको केवल नंबर नहीं लिखना, आपको नंबर लिखने के बाद उसको बताना भी है कि वो kg में है, रुपीज़ में है, लीटर में है, क्या में है, क्लियर। तो 16.25 kg का राइस अगर हम लेते हैं तो 923 rupees अपने को पे करना पड़ेगा, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए जल्दी से अब हम कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 1 meter ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹108.50, यानी 1 है ना कॉस्ट दिया हुआ है अपने को 1 meter क्लॉथ का इतना,
तो अपने से पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 18.5 मीटर ऑफ दिस क्लॉथ, यानी कि 18.5 मीटर का कितना रेट होगा। 1 मीटर का अपने को दिया है, 18.5 का पूछा है, तो सेम इसी तरीके से बनाना है। यहाँ भी दो नंबर, ये जो नंबर है हमारा डेसिमल में है और ये भी नंबर डेसिमल में है, तो सेम 16 वाले क्वेश्चन टाइप से ही बनाना है। और स्टेटमेंट भी सेम टू सेम उसी तरीके से लिखाएगा, बस वहाँ पे केजी में था, यहाँ पे मीटर में है, वहाँ पे राइस था, यहाँ पे क्लॉथ है। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मल्टीप्लाई कीजिएगा और टोटल यहाँ पे 2 डिजिट और यहाँ पे 1 डिजिट, यानी कि जो आंसर आएगा आपका मल्टीप्लाई करने के बाद, तो टोटल लास्ट में 3 डिजिट से पहले आप डेसिमल लगाइएगा, तो आपको कॉस्ट पता चल जाएगा। और कॉस्ट किस में आता है, रुपीज़ में आता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा ना। अगले चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 में, क्या है। ए कार कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 8.6 किलोमीटर ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। बस इतना लंबा जोड़ा इसको घुमा के बस लिखा है, इसका कहने का मतलब बस इतना ही है कि 1 लीटर पेट्रोल में कार इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। जैसे कि हमारा बस वाला था ना क्वेश्चन नंबर 9, उसी तरीके से वो 1 आवर में था, यहाँ पे लीटर पेट्रोल में दिया है कि 1 लीटर पेट्रोल में इतना कवर करता है। तो हाउ फार कैन इट गो इन, है ना, इट गो ऑन 36.5 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल में इतना किलोमीटर चलता है, तो 36.5 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगा। तो बस सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही बनाना है आपको, मल्टीप्लाई करना है किलोमीटर है ना और लीटर का, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, 8.6 36.5 का, यानी कि 86 मल्टीप्लाई कीजिएगा 365, आपका आंसर आ जाएगा लास्ट में 2 डिजिट से पहले, यहाँ पे क्योंकि 1 डिजिट है और 1 डिजिट यहाँ पे है, तो जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट के 2 डिजिट से पहले आप लगा दीजिएगा डेसिमल, तो 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। और आंसर किस चीज़ में आएगा, ये अपने से दूरी पूछ रहा है कि कितना दूरी तय करेगा इतना लीटर पेट्रोल में, तो आंसर हमारा किलोमीटर में आएगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, मेरा मेन एम था कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और मैंने जितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताए हैं और स्टेटमेंट लिख के बताए हैं, आई होप कि आपसे आप पूरे क्वेश्चन में खुद से सॉल्व हो ही जाने चाहिए एग्जाम में, इसलिए अगर अलग क्वेश्चन भी आता है तो आपसे सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है ना। अगर अगर टीचर आपके बना के भी देते हैं ना खुद से, तो आपका कॉन्सेप्ट चूंकि क्लियर है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कभी भी रटिएगा मत, ना ही स्टेटमेंट को ना ही आंसर को। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, क्या है लास्ट क्वेश्चन। ये टैक्सी ड्राइवर चार्ज ₹9.80 पर किलोमीटर, यानी कि टैक्सी ड्राइवर पैसा लेता है, चार्ज करता है 1 किलोमीटर का कितना रुपीज़। तो हाउ मच विल ही चार्ज फॉर अ जर्नी ऑफ 106.5 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में इतना चार्ज कर रहा है, तो 106.5 किलोमीटर में कितना चार्ज करेगा। तो बस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, स्टेटमेंट लिखना है, तो स्टेटमेंट आप इसमें फिर से खुद से ट्राई कीजिएगा। फिर मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि ये अपने को पर किलोमीटर का दिया हुआ है चार्ज, तो लिखिएगा चार्ज ऑफ पर किलोमीटर, ठीक है, या फिर टैक्सी ड्राइवर चार्ज फॉर पर किलोमीटर और इक्वल टू करके इसको लिखिएगा, उस टाइप से फिर लिखिएगा टैक्सी ड्राइवर चार्ज फॉर अ जर्नी ऑफ 106.5 किलोमीटर और इक्वल टू करके 980 × 1065 कीजिएगा, और जो आंसर आएगा आपका ना वो रुपीज़ में आएगा पहली बात, और दूसरी बात यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं और यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो टोटल 3 डिजिट्स हो गए डेसिमल के, 3 प्लेसेस हो गए, तो जो आंसर आएगा उसके लास्ट में राइट साइड से 3 डिजिट्स के बाद आपको डेसिमल लगा देने हैं, और आंसर किसी में आएगा रुपीज़ में आएगा, क्योंकि अपने को चार्ज फाइंड करना था। तो इस तरीके से हमारा ये वाला एक्सरसाइज होता है कंप्लीट, मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझा दिया है, स्टेटमेंट भी लिखना बता दिया है, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे हम डेसिमल के है ना जो डिवीज़न होता है, किस तरीके से डिवीज़न किया जाता है वो सिखाऊंगा, और उसमें मैं आपको बस छोटे से ट्रिक्स के तरीके से सिखाऊंगा, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। पिछले वीडियोस को या अगले वीडियोस को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है, प्लेलिस्ट का भी और वीडियोस में भी, वीडियो का भी, और ऊपर आई बटन में भी मैंने लिंक दे रखा है, दोनों जगह से आप जाकर के देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेट कीजिए अब नेक्स्ट वीडियो का।